अब YouTube ने सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दी एडिटिंग वाले, चाहे वो छोटे क्रिएटर्स हों चाहे बड़े क्रिएटर्स हों, कोई भी यूट्यूबर हो। फिलहाल के लिए जो बड़े यूट्यूबर्स होते थे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आराम था, क्योंकि भाई वो एडिटर रखते थे अपना और जो भी सॉफ्टवेयर है वो पेड होते थे उनके। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं भाई, वो अपना पेड सॉफ्टवेयर कहाँ से खरीदें, ना ही उनके पास इतनी अर्निंग हो रही है कि वो कोई सॉफ्टवेयर खरीदे। जैसे कि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं भाई यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, तो हमको जरूरत होती है एक बहुत ही शानदार एडिटर की। जितनी ज्यादा शानदार एडिटिंग होगी कंटेंट उतना ज्यादा बढ़िया होगा और लोग उसको अच्छे से पूरी वीडियोस देखेंगे, तभी हमारा सब्सक्राइबर्स, तभी हमारा वॉच टाइम बढ़ता है और हमारा चैनल तभी ग्रो होता है। लेकिन जब हमारी एडिटिंग बढ़िया तभी होगी जब हमारे पास कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर काफी अच्छा होगा। अब या तो सॉफ्टवेयर हम खरीदे जैसे कि काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, ये ऐसे बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है मोबाइल डिवाइस के लिए। अगर आप मोबाइल से एडिटिंग करना चाह रहे हो तो बहुत ही नंबर वन पे अगर बात करें तो काइन मास्टर आता है, पावर डायरेक्टर है, बहुत से आपको ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो पेड होते हैं, उनको आपको खरीदना पड़ेगा, प्रीमियम फीचर होता है। अगर बात करें फ्री के एप्लीकेशन तो इनशॉट या फिर वीएन, फिलहाल के लिए ये शॉर्ट्स के लिए एप्लीकेशन तो बढ़िया है, लेकिन जब हम लॉन्ग वीडियोस की बात करते हैं तो इतने ज्यादा खैर फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं। तो अगर बात करें क्रिएटर्स जो छोटे होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बड़े भाई जो क्रिएटर्स हैं वो काइन मास्टर या फिर आपका पावर डायरेक्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, इसको खरीद के वो अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो इन एप्लीकेशन को नहीं खरीद सकते हैं, या तो वो फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, उनके सिस्टम्स हैंग होने लगते, मोबाइल डिवाइस हैंग होने लगती, या फिर उनमें वायरस आ जाते और अच्छे से कोई प्रॉपर रन भी नहीं करते एप्लीकेशन, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। अब भाई वो खरीदे कहाँ से एप्लीकेशन, इतनी ज़्यादा उनके पास अर्निंग, इसलिए उनकी एडिटिंग हो जाती है बिल्कुल बेसिक, जीरो लेवल की हो जाती है। अब YouTube ने सबसे बड़ी टेंशन खत्म कर दी एडिटिंग वाली, क्योंकि जब भी हम वीडियोस बनाएंगे उसके बाद जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि काइन मास्टर, बहुत से उसमें फीचर्स हैं, लेयर्स लगा सकते हैं, म्यूजिक आप ऐड कर सकते हैं, फोटोज अलग से ऐड कर सकते हैं, कई सारे ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल आप कंप्यूटर की तरह एडिट कर सकते हो। लेकिन उसको खरीदने के लिए हमको 2000 से लेकर 4000 तक रुपए पे करने पड़ते हैं। अब इतना भाई अगर छोटा क्रिएटर इतना ही स्टार्टिंग से अर्न कर रहा था तो YouTube पर क्यों आए, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि YouTube ने अब खुद का एडिटिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। अब बहुत जल्दी वो आप लोगों को मिलेगा, फिलहाल के लिए कुछ लोगों को मिल गया है YouTube क्रिएट नाम से, जो YouTube ने एप्लीकेशन अपना प्रोवाइड करा। फिलहाल YouTube ने अभी तक कई एप्लीकेशन अपने खुद के प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे कि YouTube फॉर किड्स, जो YouTube हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग है, बच्चों के लिए YouTube अलग है, YouTube फॉर किड्स, उसमें बच्चों वाली वीडियोस की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, अडल्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। YouTube म्यूजिक और एक YT स्टूडियो होता है, ये सारे YouTube ने प्रोवाइड कर रखे थे। अब YouTube आपको खुद का एप्लीकेशन दे रहा है, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो कि बिना वाटरमार्क का और बिना कोई इन्वेस्ट के आपको मिलेगा। जी हाँ, कोई भी वाटरमार्क आपको इसमें नहीं मिलेगा, एक भी रुपए आपको इसमें यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, प्रीमियम फीचर नहीं है, YouTube आपको दे रहा है ये एज अ गिफ्ट। आप गिफ्ट की तरह इसका यूज़ करिए, चाहे जैसी एडिटिंग करो, चाहे आप लेयर लगाओ, चाहे म्यूजिक लगाओ, चाहे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाओ, चाहे अलग से कोई फोटोज ऐड करो, अलग से कोई वीडियोज ऐड करो, काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए जिस तरह से हम काइन मास्टर और बाकी एप्लीकेशन से एडिट करते थे, शायद खूब लग रही कि उससे भी अच्छा YouTube का एप्लीकेशन होगा, क्योंकि YouTube खुद प्रोवाइड करा रहा है, सारे आपको फीचर इसमें मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कौन है, इसमें कॉपीराइट आपको बिल्कुल ना के बराबर आएगा, क्योंकि भाई जब भी हम कोई वीडियो एडिट करते हैं तो अलग से म्यूजिक ऐड करते हैं, म्यूजिक के बिना दुनिया बेकार है। जी हाँ, म्यूजिक अगर आप किसी भी चीज़ में नहीं इंक्लूड करते हो तो बिल्कुल डल सा, बिल्कुल बोरिंग सा लगता है। अब अगर हम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे अलग से म्यूजिक जाकर ऐड करते हैं तो बहुत डर बना रहता है कि हमारी वीडियोस पर कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन ये डर भी आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब क्रिएट का एप्लीकेशन है इसमें आप एडिटिंग करोगे लेकिन उसी में म्यूजिक इंक्लूड है, जो कि टाई अप हुआ है YouTube लाइब्रेरी के साथ में। YouTube क्रिएट एप्लीकेशन एडिटिंग वाला है, उसमें जो YouTube लाइब्रेरी जहां से म्यूजिक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट के, उससे उसका हो गया टाई अप, उसी में इंक्लूड है, आप वहीं पे एडिट करो, वहीं से लाखों करोड़ों म्यूजिक, जितना मन हो उतना म्यूजिक निकालो, जैसा मन करे साउंड इफेक्ट लगा के वहीं पे अच्छे से एडिट कर सकते हो, कॉपीराइट का टेंशन इससे
खत्म हो जाएगा। तो इससे कई ज्यादा फायदे, आपको रुपये नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरी बात आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा, कोई भी वाटरमार्क आपके वीडियोस में नहीं मिलेगा, म्यूजिक ढूंढने का झंझट खत्म, टाइम आपका बचेगा, यूट्यूब लाइब्रेरी से वहीं पे टाई अप हो चुका है, वहीं से म्यूजिक एडिट करके आप लगा दो, बहुत अच्छे फीचर्स इसमें मिलेंगे और काफी ज्यादा धीरे धीरे ये ग्रो भी होगा, लाखों की मात्रा में डाउनलोड हो जाएगा जैसे ये प्ले स्टोर पर रोल आउट होगा। फिलहाल के लिए अभी रोल आउट नहीं हुआ है, यूट्यूब क्रिएट कई लोगों को मिला है, अर्ली एक्सेस वाले लोगों को मिल चुका है। आपकी क्या राय, आपके लिए ये एप्लीकेशन कितना ज्यादा सही साबित होगा और कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, कमेंट में जरूर लिख के बताना, और कमेंट में बताना कि जैसे ही एप्लीकेशन आएगा इसके बारे में मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा एक एडिटिंग का डेमो भी दूंगा अगर आपकी ज्यादा कमेंट आई। अगर इस वीडियो से आपको सच में कोई फायदा हुआ तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।